अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन मलाई टिक्का। उसके लिए देखिए, मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके ये चिकन लिया है, 1 kg है। और मैं बनाऊंगी विद बोन, बोनलेस नहीं है, इसमें कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा बोन भी है। और तो इसके देखिए, वॉश करके इसको स्ट्रेन कर लिया था और बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब इसके अंदर मुझे ऐड करने के लिए चाहिए देखिए थोड़ी सी हरी मिर्चें और हरा धनिया और काजू का पेस्ट बनाऊँगी। और इसके अंदर इसको ऐड करके इसका मैरिनेशन करके रखेंगे। और क्या क्या चीज़ें चाहिए, मैं पहले इसका पेस्ट बना लेती हूँ, उसके बाद डिटेल आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको मैरिनेट कर लेते हैं। पहले एक नींबू का जूस ऐड करूँगी इसके अंदर में। और अब ये मैंने पेस्ट तैयार किया, ये ऐड करूँगी। एक चम्मच काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर एक चम्मच, एक चम्मच गरम मसाला, 1.5 चम्मच नमक, नमक टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए आप अपने, 1/2 कप दही और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और छोड़ देंगे इसको हम कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। अब इसको छोड़ देते हैं 1 घंटे के लिए, फिर मिलते हैं 1 घंटे बाद। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैरिनेशन होके रेडी है और यहाँ पे ऑयल भी हो गया गर्म। अब इसमें से एक एक टिक्का इसमें ऐड करते जाऊंगी। तेल को हमें तेज गर्म रखना है। इसको अलग प्लेट करके हमें तो अच्छे से 10 मिनट तक पका लेना है, अच्छे से कलर आने तक। तो एक साइड से इसको पलट दिया है, दूसरी साइड से भी इसको 2 मिनट हाई फ्लेम पे ही कुक करेंगे। तो देखिए दोनों तरफ से अच्छे से ये पक गया है, इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो इसी तरह सेकेंड बैच भी बना के निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए, ये लास्ट बैच भी मैंने ऐड कर दिया। अब इसको भी अलग प्रेशर के अच्छे से कुक कर लेंगे चिकन पक जाने तक। तो इसको अभी हम ग्रिल कर रहे हैं स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए, ताकि हमारे टिक्के का स्मोकी फ्लेवर आ जाए और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का हमारा मलाई टिक्का बनके तैयार हो। तो घुमाते हैं तरफ से कर लेंगे, सारे में स्मोकी फ्लेवर आ जाए। तो ये देखें क्या खुशबू आना शुरू हुई है। और ये सारा ग्रिल हो गया, वापस इसी पैन में ऐड करते हैं। और अब ऐड करूंगी मैं इसके अंदर क्रीम, फ्रेश क्रीम। अब ये फ्रेश क्रीम ऐड करूंगी इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हमारा यम्मी सा फ्लेम को हाई किया है थोड़ा सा, क्योंकि ये ठंडा है। हमारा चिकन मलाई टिक्का बनके रेडी है, अच्छे से मिक्स कर दूँ सारा। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, ये हमारा मलाई टिक्का बनके रेडी है, यम्मी डिलीशियस। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये रही इसके साथ की चटनी, तो हमारा स्टार्टर बनके रेडी है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। धुआंधार मलाई चिकन टिक्का।